अच्छा जी, मैं आपको खा के चेक करके बताती हूँ कि कैसी बनी है बिरयानी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, चावल भी बिखरे बिखरे हुए हैं, बहुत ही मज़े की लग रही है। माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़े की लग रही है। मुंह में मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े की बनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादियों में भी ऐसी बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहें। तो माशाल्लाह जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो आज हमने कहा कि चिकन बिरयानी बनाए और आपके साथ शेयर करें जो हम रेसिपी जैसे हम बनाएंगे। तो दही भी आ गया था, तो ऐशा ने कहा कि मुझे दही चाहिए, तो वो कटोरी भी ले आए। दही चाहिए आपको? तो शापर पा रही थी तो मैंने कहा आप कटोरी ले आओ। ये लो बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा पी मज़े का है। तो आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। मैं कोशिश करूंगी कि बिरयानी इंशाल्लाह अच्छी बने, कोई कमी ना रह जाए। जब फाइनल लुक आए तो आप देखें तो माशाल्लाह आपको अच्छी लगे। अगर कमी कोताही कोई रह भी जाती है तो आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि चावल भिगो के मैंने रख दिए हैं, बाकी सामान सारा है पड़ा, वो इकट्ठा अभी मैं करना है, मसाला वगैरह भी बनाना है मैंने। तो चिकन भी मैंने अपने साथ रख दिया है, उसे भी धोना है। तो आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है, हमारे साथ रहना है। माशाल्लाह जी, लेग साइड का चिकन लेकर आए हैं और मैं इसे धो लूं, साफ़ कर लूं, इसे रख दूंगी क्योंकि ये खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसे बनाऊंगी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, चिकन को मैंने धो के रख दिया था, चिकन हो गया है खुश्क। तो एक किलो चावल की हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो चिकन भी मैंने एक किलो ही लिया है। सबसे पहले मैं चिकन के जो लेग हैं उनको कट लगा लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मसाले वगैरह जो सारे हैं वो लगा लूँगी। हट जाओ। तो मैं ऐसे ही कट लगा रही हूँ ताकि जो मसाला वगैरह है ना इसके अंदर जज्ब हो जाए। और बाकी जो बोटियाँ हमने बराबर की रखवाई हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही ज़्यादा छोटी हैं। और अब मिसाले इसको लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया कुटा हुआ, जीरा भुना कुटा हुआ, भुनाई भी किया थोड़ी सी मैंने, इसको फिर कुटा है। तो ये बिरयानी मसाला है, मैंने बाजार से मंगवाया है, तो ये भी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 चम्मच खाने वाला है। बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 2 चम्मच हैं। तो 3-4 हरी मिर्च मैंने क्रश किए हैं, ये भी डाल रही हूँ साथ में। तो 1 लीमू मैंने लिया है, ये भी निचोड़ लेती हूँ। अब इसके अंदर 1 प्याला दही का डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और साथ में थोड़ा सा पुदीना है ये भी डाल देती हूँ। मैंने मसाला लगा दिया, अब इसको आधे घंटे से 40 मिनट तक ढक के रख देती हूँ, तो उसके बाद फिर बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब बिरयानी के लिए जो मसाले मैंने बनाने हैं तो वो बना रही हूँ। सबसे पहले मैं प्याज टमाटर वगैरह काट रही हूँ। इस साइज़ के मैंने 5 प्याज लिए हैं और टमाटर भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करे क्योंकि मैंने दही का इस्तेमाल भी काफ़ी सारा किया है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, आग भी मैंने चला लिया है, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। माशाल्लाह जी ऑयल गर्म हो गया, तो अब मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ क्योंकि प्याज मैंने ज़्यादा लिए हैं, इसलिए क्योंकि मैं बिरयानी के अंदर ज़्यादा मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, तो प्याज ज़्यादा होंगे तो मसाला भी ज़्यादा बनेगा। तो प्याज मैं सही से फ्राई करूंगी, जब तक ये गोल्डन कलर नहीं पकड़ लेते तब तक मैं इसे फ्राई करती रहूंगी। चलिए जी, प्याजों का कलर गोल्डन हो चुका है, तो अब मैं इसे कुछ प्याज निकाल लेती हूँ क्योंकि बिरयानी में इस्तेमाल करूंगी फिर तवलों में। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर टमाटर डाल देती हूँ ताकि ये प्याज जो है चल ना जाए। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ क्योंकि अदरक लहसुन मैं उस मसाले में इस्तेमाल नहीं कर रही, इसमें मैंने काफी सारी इस्तेमाल की है। इसमें मैं अदरक लहसुन इस्तेमाल नहीं करी मिसाल में क्योंकि मैंने चिकन में काफ़ी अदरक लहसुन इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की मैंने इसी तरह भुनाई करनी है अच्छे से इसी दही और मसाले के अंदर, क्योंकि दही भी काफ़ी सारा पानी छोड़ती है, तो उसमें भी अच्छी तरह चिकन इंशाल्लाह भुनाई हो जाएगा। इंशाल्लाह जी आइल ऊपर आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने मिसाले जो इस्तेमाल किए हैं, 2 बादियान के फूल और 2 दवित्री के फूल और थोड़ी सी दालचीनी, 10-15 काली मिर्चें, थोड़ा सा जीरा और एक और क्या भूल रही थी मैं, एक डाली है मैंने बड़ी इलायची। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले नहीं डाली क्योंकि ये जो मिसाले हैं ना ये जल जाते हैं। अभी भुनाई तो हो गई है लेकिन मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है चिकन, तो मैं इसमें जो मसाले वाला डब्बा था जिसमें मैंने इसे मिक्स किए थे मसाले चिकन के, तो वो इस जो पानी है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, तो फिर भुनाई करूँगी इसको थोड़ी सी। माशाल्लाह जी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतारने से पहले इसका नमक चेक कर लूँ, नमक अगर हल्का होगा तो फिर नमक अभी से डाल दूँगी तो मिक्स हो जाएगा। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ ही मैं इसको नीचे उतार देती हूँ और चावलों का पानी भी चढ़ा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो सबसे पहले मैं पानी में नमक डाल देती हूँ क्योंकि चावलों में काफ़ी नमक आता है। तो 3 नमक मैंने डाले हैं। 3 नमक नहीं जी, 3 चम्मच नमक के कह रही थी तो मैंने कहा 3 नमक, 3 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है खड़े मिसाले, यहाँ पर पत्ते हैं मिसाले वाला पत्ता, तो ये बादियान का फूल और 4-5 वो क्या लौंग और काली मिर्चें। तो माशाल्लाह जी पानी उबल चुका है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आयल डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं और माशाल्लाह खिले खिले चावल हो जाएंगे। चावलों को मैंने पहले भिगो के रख दिया था क्योंकि तकरीबन 2 घंटे ये भी ऐसे ही भीग के रखे हुए हैं। तो चावल भी माशाल्लाह बासमती चावल है, तो अब इसमें चावल भी डाल देती हूँ। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि पानी जितना ज़्यादा होगा चावल उतने सही से उबलेंगे, खुले खुले चावल उबल जाएंगे। तो इसके अंदर से मैं थोड़ा सा सालन निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर क्योंकि मैंने तह लगानी है चावलों को। ज्यादा मैंने सालन नहीं निकाला, बस इतना सा निकाला है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब तह लगाने के लिए सबसे पहले चावल डाल देती हूँ इसके ऊपर। तो आधे चावलों की मैं तह लगा देती हूँ पहले। सबसे पहले मैं इसके ऊपर प्याज डाल देती हूँ जो मैंने निकाले थे तले हुए, तब उसके बाद हरा धनिया और 4-5 लीमों के टुकड़े, थोड़े से पुदीने के पत्ते, चार पांच हरी मिर्चें। तो अब जो मैंने सालन निकाला था वो इसके ऊपर तह लगा देती हूँ सालन की। अब जो बाकी चावल बचे हैं वो सारे इसके ऊपर तह लगा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर प्याज छिड़क देती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है ये भी डाल देती हूँ। अब हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, चार लीमों के टुकड़े, तो इसमें थोड़ा सा मैं आयल 2 चम्मच आयल के ऊपर से डाल रही हूँ और इतना सा पानी थोड़ा सा। तो अब मैं इसको बंद करके दम लगा के अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। तो मैं इसके ऊपर हल्का सा वजन रख रही हूँ जो इसकी भाप है स्टीम भाप, तो वो बाहर ना निकले। थोड़ी देर में आग थोड़ी देर तेज रखूंगी ताकि जो भाप है इसकी बन जाए, तो फिर मैं आग हल्की कर दूंगी। मैंने निकाल ली है माशाल्लाह, भाप बन चुकी है, तो अब मैं इसको नीचे उतार कर भी दम पर लगा देती हूँ।
इसको मैंने इसलिए नीचे उतार कर दम लगाया क्योंकि आग, एक तो तंदूरी भी ज़्यादा गर्म थी और काफ़ी कोयले थे तंदूरी में, तो मैंने कहा कहीं ये जल ना जाए, तो इसलिए मैंने इसे नीचे रख कर फिर दम लगा दिया कोयलों पर। तो अब ये तकरीबन 15 मिनट यूँ ही दम पर रखे रहेंगे इन्हीं कोयलों पर, माशाल्लाह इधर उधर से धुएँ निकलना शुरू हो गए हैं। तो माशाल्लाह जी 15 मिनट होने वाले हैं, तो अब मैं इसका दम इसका निकाल लेती हूँ। तो अब ये भी मैंने उठा लिया है जो वज़न मैंने रखा था, तो आपको माशाल्लाह चेक करवाते हैं कि हमारी आज की जो चिकन बिरयानी है वो कैसी बनी है। तो इधर मैं ले आई हूँ क्योंकि वहाँ उस तरफ हो रहा था अंधेरा, तो मैंने कहा अगर आपको चेक भी करवाऊँ तो आपको सही से नज़र ना आए तो फ़ायदा नहीं है हमारे बनाने का, जो हमने इतनी सारी मेहनत की है, तो छोटी सी जो कोशिश है वो आपको मुकम्मल ही आपको दिखाई दे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त लग रही है। अभी से ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बिरयानी आज बनी होगी। तो सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ। माशाल्लाह जी चावल भी बिखरे बिखरे हुए हैं, बहुत ही मज़े की लग रही है। माशाल्लाह जी बहुत ही मज़े की लग रही है, मुंह में मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े की बनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादियों में भी ऐसी बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी मैं आपको खा के चेक करके बताती हूँ कि कैसी बनी है बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी हुई है, आप भी ऐसे बना के खाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा क्योंकि शाम हो रही है, अभी मैंने रायता वगैरह भी बनाना है। तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश और वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी बिरयानी बना के ज़रूर खाइएगा और हमें भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अच्छा आप भी अल्लाह हाफिज़ कर दो मेरा प्यारा बेटा। अल्लाह हाफिज़ कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो मेरा बेटा, कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Love you.